हेलो दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो बताने वाला हूं, अगर आपके अकाउंट यस बैंक में है और मोबाइल बैंकिंग से एटीएम का पिन बनाना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से मोबाइल बैंकिंग से एटीएम का पिन बनाया जाता है तो इस वीडियो शुरू से आखिर देखें और अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मोबाइल बैंकिंग में आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं मेरा इस वीडियो देखने में बहुत ही आसान तरीके से आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं एम पिन इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, ठीक है। लॉगिन करने यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको शो करेगा और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो आपको डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो करेगा, अपग्रेड और दूसरा है मैनेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करें यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको शो करेगा, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पर शो करेगा जनरेट पिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैंने क्लिक किया, उसको देखें इंटर न्यू एटीएम पिन, ठीक है। जो भी आप मनपसंद का एटीएम पिन रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और इंटर करने वाले प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं न्यू एटीएम पिन यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, तो मैंने इंटर कर दिया, उसको प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। जैसा आप प्रोसेस पर क्लिक करें उसको देखें इंटर एम पिन, ठीक है। तो जो भी आपका लॉगिन पिन है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना, उसको कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए स्वैप बटन है, इस पर आपको क्लिक करके इस तरह से आपको राइट साइड से ले जाना है, ठीक है, कन्फर्म हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए पिन मेरा जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से आप न्यू डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हैं या फिर पिन भूल चुके तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखना पसंद तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।